नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस टीम ने दुल्लापुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर इलाके से दो असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान असलहों की बड़ी खेप पकड़ी है। असलहा तस्करों से पुलिस ने अवैध असलहों का बड़ा जखीरा बरामद किया है और तस्करों के पास से 9 तमंचे, 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। छानबीन में पता चला कि पकड़े गए बदमाश उज्जैन से अवैध असलहों की खेप लेकर बलिया डिलीवरी करने जा रहे थे। गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश से असलहों का जखीरा ले आते थे और पूर्वांचल के जिलों में अपराधियों को सप्लाई करने का धंधा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। आइए जानते हैं इस पर एसपी ओपी सिंह का क्या कहना है। ये हमारी जनपद गाजीपुर की स्वाट टीम ने इंफॉर्मेशन डेवलप करके दुल्लापुर पुलिस के सहयोग से एक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मारुति कार से वो हथियारों का एक जखीरा उसकी डिलीवरी देने जा रहे थे बलिया। तो पता रसी सुराग रसी करके जो इन्फॉर्मेशन मिली तो ये रामाश्रय यादव और कमलेश यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इन लोगों के तलाशी से, इन लोगों के पास से 9 देशी तमंचे और 3 पिस्टल्स बरामद हुई हैं और कारतूस उनके साथ बरामद हुए हैं। ये उज्जैन से उन्होंने असलहों को लिया था और इसकी डिलीवरी बलिया में उनको दी जानी थी। जो आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं इसको नज़र रखते हुए हम लोगों की बॉर्डर पे ज़बरदस्त चेकिंग का अभियान चल रहा है। उसमें पता चला, सूचना मिली कि ऐसे हथियारों की एक खेप बलिया सप्लाई होने वाली है और जिसको सप्लाई होनी है वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है। और तो इस इंफॉर्मेशन पर हमारी स्वाट टीम ने काम किया और इन लोगों को दबोचा और इनकी कार में से इतनी बड़ी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। इस संदर्भ में राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम इनसे इंटोगेशन कर रही है। ये इन असलहों को इससे पहले भी असलहों की खेप इन्होंने सप्लाई की है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस संदर्भ में हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि इन असलहों का क्या उद्देश्य था, कहाँ लेकर के जा रहे थे और पहले किन किन लोगों को सप्लाई की है और जहाँ से लेकर के चले हैं, जहाँ सप्लाई होनी थी, उन समस्त लोगों को ट्रेस करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा इन लोगों के विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये क्या नया गैंग है या मतलब इसका पिता जो है जेल में है, वो भी कुख्यात है, वो इस काम में संलिप्त था। इन्होंने पहले भी सप्लाई की है लेकिन संभवतः पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे पूर्वांचल में इनके अपराध इतिहास जो है इनका खंगाला जा रहा है और जो लोग इसमें एसोसिएट्स हैं, जिनको सप्लाई है और जिनको बांटा जाना था, उस संदर्भ में हमारी गहराई से छानबीन चल रही है। जो लोग इसमें और प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, यह हो सकता है पंचायत चुनाव जो है उसमें इसमें लोगों को डराने धमकाने के उद्देश्य से, क्योंकि ये जो इसको सप्लाई हो रही थी वो व्यक्ति भी वॉन्टेड है और अपराधी किस्म का है। इसका प्रयोग अपराध की दुनिया में ही होने वाला था, यही अभी तक पता चला। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कल राजधानी के 13 इंस्पेक्टरों का जिले से बाहर तबादला होने के बाद निरीक्षण कर मनोज कुमार सिंह को विकास नगर से मड़ियांव थाने का और अजय प्रकाश त्रिपाठी को अपराध शाखा से इंदिरा नगर थाने का और ब्रिजेश सिंह को शिकायत प्रकोष्ठ से जानकीपुरम थाने का एवं अनिल कुमार को पुलिस लाइन से विकास नगर थाने का नया प्रभारी निरीक्षक किया। बुलंदशहर में राम मंदिर धन संग्रह और जागरूकता रैली में समुदाय विशेष के लोगों के लिए गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर का बताया जा रहा है ये वीडियो। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के पास सुबह करीब 5 बजे अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद वहां मौजूद 3 से 4 लड़कों ने मिलकर कार चालक को बेरहमी से पीटा। दबंग युवकों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। बता दें कि कार ड्राइवर नशे की हालत में कार चला रहा था। 12 जनवरी को वे टू सक्सेस फाउंडेशन ने और नेबल सैयद मोहम्मद हसीब डायरेक्टर जज UPG के निर्देशक अनुसार संस्था ने रसूलपुर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी के गांव में बच्चों को शिक्षा सामग्री का वितरण किया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शफीक सलमानी जी के हाथों से कार्यक्रम का आगाज करवाया गया। इस कार्यक्रम में जनाब मुशीर साहब,
जनाब शादाब जमाली, जनाब असरार साहब और संस्था के पदाधिकारी कोषाध्यक्ष मोहम्मद साहिल सलमानी, सचिव मुराज आलम, श्री मनोज जी और अन्य लोग मौजूद रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।